हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीपीएस गाइड। सो आज का सेशन थोड़ा छोटा रहने वाला है क्योंकि मैं आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट कराऊंगा। कोई पजल नहीं है, कोई सेटिंग एडजस्टमेंट नहीं है। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग जो कि न्यू पैटर्न का है, ठीक है ना। न्यू पैटर्न की है ये भी और न्यू पैटर्न का है ये भी। तो दोनों क्वेश्चन आपको न्यू पैटर्न के, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। होमवर्क में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो लॉजिक है ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, इसी सीरीज में ही बता रखा है। तो आप लोग बस वही लॉजिक लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करिएगा आंसर कि आपका आंसर क्या आता है। चलिए पहले तो हम इनपुट आउटपुट देख ले, जो मैंने ऑलरेडी एक होमवर्क में दिया था न्यू पैटर्न का, उसको क्या है वो। चलिए देखिए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो लास्ट ईयर मेंस के एग्जाम में देखने को मिला था, 20 से 25 क्वेश्चन आपके थे पजल के और सिटिंग अरेंजमेंट के। सुनते रहिएगा, यहाँ पे पजल एंड सेटिंग के थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग और कभी देखा नहीं होगा किसी भी मॉक में, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। बाकी आप हर जगह देखे होंगे, आपने किया भी होगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा, मान लीजिए लॉजिकल अगर आती है आपकी, जो आती ही है वो हर बार 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको एक बार बता दें, मोस्टली बच्चा क्या करता है कि पजल से बचता है, कहता है कि मैं तो लॉजिकल में जब पेन तक नहीं उठानी और सिर्फ रीडिंग करके ही मुझे करना है। तो देखो, ये लॉजिकल होती है अल्टीमेटली आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बड़ा सा पैसेज आपको दे देंगे, उसी में से ही आपको कॉज एंड इफेक्ट दे देगा, उसी में से स्टेटमेंट एंड एजम्पशन पूछ लेगा। तो इसकी अगर आपको समझ है आरसी की, तो आप लॉजिकल बहुत अच्छे से कर सकते हो। बट मेरा मानना यह है कि इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती, क्योंकि एग्जाम से जब निकल के बाहर आते हैं तब पता लगता है कि अच्छा, हमको ये वाला सोचना था, लॉजिक ये लग गया। आज ही के क्वेश्चन में, आज ही के सेशन में एक हमने लॉजिकल का क्वेश्चन रखा है, आप खुद बताइएगा उसका आंसर। एक बार हम बताएंगे नहीं, आपको टाइम देंगे, आप देखिएगा खुद ही, आप कहोगे कि इसका आंसर तो मैं ये सोचा था, लॉजिक तो ये लगा हुआ है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रही? अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपने लगा रखा है, तो ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, आपकी इंग्लिश भी अच्छी, तो आप जाओ इस पे, आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। तीसरा आपको मिलेगा इनपुट आउटपुट, जो कि आपको SBI PO के पैटर्न का मिल सकता है इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, मशीन इनपुट आउटपुट। मान लीजिए ये मैक्सिमम मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको देगा। चौथा सेम चीज आपको कोडिंग डिकोडिंग का दे देगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। अच्छा, दूसरा आपको, अब पांचवें पॉइंट पर मैं ये क्या लिखूंगा, मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पता ब्लड रिलेशन आ जाएगा। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन जो है ना खूब बड़ा सा होगा, इतना बड़ा, प्री लेवल का क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन होगा प्री लेवल का, पर काउंटर क्वेश्चन जो बनेंगे वो एक क्वेश्चन के, यही मिसलेनियस में उसने डाल दिया। ऑर्डर एंड रैंकिंग आ गई, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आ गया इसमें रिवर्स सिलॉग्स, तो 3 क्वेश्चन देगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन की ये फ्रेमिंग करेंगे। मिसलेनियस पे अगर आप लोग ज्यादा फोकस करना चाहते हो, मैं बता दूं अगर आप लोग को, तो आप लोग ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, जो प्री वाले टॉपिक्स होते हैं ना, प्री के, उनको बेसिक बनाओ और खूब स्ट्रांग करो, क्योंकि मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो एक या तो 2 होंगे ही, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बल्क में जो आपको अल्टीमेटली करना होगा, अगर आपको रीजनिंग के भरोसे अपना मेंस क्लियर करना है, तो भाई 3 से 4 सेट पजल के आएंगे, जिसमें से प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, 2 तो करने की कोशिश ही करना। स्टार्टिंग के 3-4 लाइन से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि किस तरीके से हमें एक पजल को अप्रोच करना है, क्या हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कैसे होगी वो, मॉक से ही सीखने को मिलेगा आपको, वो सिर्फ और सिर्फ मॉक से सीखने को मिलेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो मैं आज के सेशन में बस यही बता रहा हूँ कि आप लोग करना क्या यार, आप लोग को देखिए क्वेश्चन आज कम लिए हैं, बस इनपुट आउटपुट, फिर एक होमवर्क दिखा देंगे हम आपको, होमवर्क दिखा देते हैं आपको, होमवर्क के रहा कोडिंग डिकोडिंग का, आई होप दिख रहा होगा, लॉजिक सेम वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब आती है बात, सर कैसे कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, सिटिंग पजल एंड सिटिंग का एक ही रास्ता है, एक ही इसका समाधान है, आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक से। मैं कहता हूँ आप IBPS गाइड के मॉक दो, ठीक है, आप मॉक दो, आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे मेल करो ना, रोहित @IBPS
guide.com पे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा वीडियो के फॉर्मेट में भाई, वीडियो के फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। और साथ ही मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आईपीएस गाइड का ही परचेज करो, आपको जिसका कंफर्टेबल लगता है आप उसका करो, लेकिन मॉक से ये होता है, मॉक से आपको ये पहचान हो जाती है कि हमें यार ये क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन नहीं करना है, हमें स्किप करना है। देखिए फ्लोर बेस्ड आता है या सर्कुलर आती है तो आप लोग कोशिश करना पॉसिबिलिटीज भी साथ में लेते हुए चलो, उसमें क्या होगा आपका टाइम बचेगा। ऐसा नहीं कि हमने पहले एक केस बनाया फिर दूसरा केस बनाया, स्टार्टिंग से दो दो तीन तीन केस लेते हुए चलो साथ में, ठीक है ना। अच्छा इनपुट आउटपुट की बात आई तो देखो अभी इनपुट आउटपुट करने वाले इस लेवल के अगर आते तो आप यार इस एग्जाम से पहले मैं आपको गारंटी बता रहा हूं 50 क्वेश्चन कर लो, 50 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 100 200 300 नहीं, 50 कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के, तो इतना तो मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि अगर आपने 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, या फिर छोड़ो 50 भी मत करो, मैं तो कहता हूं मत करो, जितना मॉक में आ रहा है उतना कर लोगे ना बहुत सफिशियंट है, बहुत ज्यादा सफिशियंट है वो आपके लिए। देखना एग्जाम में जो आएगा वो आप क्रैक कर लोगे, इसकी गारंटी मैं कह रहा हूं। आप एग्जाम देकर खुद ही कहोगे सर ने सही बोला था कि यार एग्जाम में जो आया वो मैंने कर लिया, क्योंकि सिर्फ मैंने मॉक को ही अपना बेस बनाया था। ये वर्ड याद कर लो, दिमाग में छप जाए, आंखें बंद करें तो MOCK दिखे, हमको मॉक के अलावा और कहीं कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं मिलता। आप कहोगे सर बुक बता दो, भैया बुक सब आउटडेटेड है, मॉक अपडेटेड है, मॉक को दो, मेरे मुंह से आपने इतनी बार सुन लिया होगा मॉक, ठीक है ना, मॉक दो, सारी चीजें आपकी, सारे रास्ते क्लियर होंगे, आपकी GK भी इसी से क्लियर हो जाएगी, आपका क्वेंट भी इसी से होगा। तो कुछ नहीं, कम से कम एटलीस्ट मैं कह रहा हूं अब तो कम दिन बचे, दो तो मॉक दो। कैसे, एक मॉर्निंग में दे दिया तुमने, ठीक है, एक इवनिंग में दे दिया, मॉर्निंग वाला पूरा दिन लगाओ उसको एनालाइज करने में। भाई मैं बता रहा हूं मेंस का मॉक का टाइम जो लगता है ना 5 से 6 घंटे लगते हैं उसको एनालाइज करने में। ये नहीं कि अच्छा ये था ये, अरे भाई हर एक क्वेश्चन को तुम देख रहे हो, फील कर रहे हो, उस चीज को समझो। कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा तो मुझे मेल करो, भाई मैं हूं आप लोग के साथ मेंस की क्लास के लिए, ठीक है ना। चलो ये होती है प्रिपरेशन, इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलो, डेफिनेटली तुम्हारा क्लियर होगा मेंस अच्छे से वो भी, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको हटाता हूं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके से दिखती हैं 6 6 7 7 डिजिट्स, तो भैया ये तो चीज कंफर्म होती है कि ये पूरा नंबर एक साथ कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, कुछ तो हुआ है। तो हर एक डिजिट को हम इंडिविजुअली समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल। अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, कॉमन चीज मुझे दिख रही है, वो कॉमन चीज क्या है, नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं वो सेम टू सेम इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखो ध्यान से देखो, नोट करो ये वर्ड, मैंने ये चीज मैंने नोट की, ये जब इस तरीके का आएगा ना एग्जाम में तो वहां पे भी मैं यही चीज नोट करूंगा कि यार नंबर तो सेम हो रहे हैं। तो देख उसके बाद देखो, मैंने देखा कि नंबर है 4 6 2 3 1 9, क्या मिल के आ जा रहा है मेरे पास, जो नंबर आ रहा है दोबारा उसके बाद 2 1 4 9 6 3, ठीक है। अगर हम इस नंबर की बात करें तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के नेचर में आएगा, इवन के नहीं है। अच्छा क्या हुआ यहां मुझे दिख रहा है जो तीसरी डिजिट पे था वो नंबर पहले डिजिट पे आ गया, और जो पहले नंबर पे था वो फर्स्ट उस पे चला गया, थर्ड पोजीशन पे। तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज हो रहे हैं, यहां इंटरचेंज हो रहा है। अच्छा उसके बाद मैंने देखा कि जो सेकंड था वो फिफ्थ डिजिट के साथ इंटरचेंज कर गया, देखो तो सेकंड एंड फिफ्थ इंटरचेंज कर गए, और जो ये वाला था फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका हो गया, ये दो नंबर आपके चेंज हो गए, लास्ट वाले फोर्थ एंड सिक्स इंटरचेंज हो गए, देखो 9 आ गया और थर्ड उधर चला गया, तो फोर्थ एंड सिक्स डी। ये कब हुआ, ये भैया जब ऑड था। अब जब आप इवन ढूंढते हैं और यही कंसेप्ट लगाते हैं, इवन नंबर, एक इवन नंबर ये मुझको मिल गया, या फिर ये भी एक इवन ही नंबर है, ये वाला नंबर ले लेते हैं, चलो आओ देखते हैं 7 1 3 6 8 2, ये एक इवन नंबर है याद रखना। क्या पता यहाँ दूसरी तरीके से इंटरचेंज हो रहा हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन हम पहले अभी लगाएंगे तो इसी तरीके से ना कि कहीं ऐसा ही सेम इंटरचेंज तो नहीं हो रहा होगा। तो देखते इसका नंबर जो आया मेरे पास वो आया 6 8 2 7 1 3।
अगर मैं फर्स्ट और थर्ड डिजिट को देखूं तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं भैया, यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट डिजिट को इंटरचेंज किया है किससे, सिक्स आ गया, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हुए, मतलब 1 2 3 फर्स्ट एंड फोर ये इंटरचेंज हो गए यहाँ पे इवन में। अच्छा, उसके बाद 1 की जगह 8 हो गया, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब सेकेंड एंड फिफ्थ इंटरचेंज हो रहे हैं, और लास्ट देखा जाए तो कौन सा हो रहा है, थर्ड एंड सिक्स, 3 एंड 2, ये देखो 3 एंड 2 इंटरचेंज, तो 3 एंड 2 इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब यही कंसेप्ट, यही फंडा मेरे बाकियों में भी लगा है, तो एक नोट कर लेते हैं, अब हम इसको मिटा देते हैं और एक हम नोट कर देते हैं, नोट करते जाइए आप लोग भी इसी के साथ साथ। अगर नंबर मेरा इवन है और अगर नंबर मेरा ऑड है, फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं कि कैसे आया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ इंटरचेंज करेंगे, सेकंड एंड फिफ्थ इंटरचेंज करेंगे, थर्ड एंड सिक्स इंटरचेंज कर देंगे। वैसे ही यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज कर देंगे, टू एंड फाइव इंटरचेंज कर देंगे, और लास्ट 4 एंड 6 इंटरचेंज कर देंगे। ये बात क्लियर है यहां पे, ये दोनों बात क्लियर है यहां पे, ये पहले स्टेप के नंबर आ गए। इसके बाद क्या किया गया, ये पहला स्टेप तो क्लियर है भाई। सेकेंड स्टेप में देखो क्या किया है, सेकेंड स्टेप में मुझे कुछ नया नहीं दिख रहा है, अभी भी कुछ नया दिख रहा है। ये देखो, ये नंबर था एज इट इज यहां आ गया, फिर ये नंबर था, नहीं ये नहीं है, हाँ यही है, ये नंबर था यहां आ गया। फिर देख, एक चीज ऑब्जर्व हुई कि सेकेंड स्टेप जो हो रहा है मेरा, वो नंबर आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो रहे हैं। हमेशा याद रखना, जब भी इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे तो असेंडिंग, डिसेंडिंग या डिजिट्स का प्लस होगा, डिजिट्स का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, और इंटरचेंज हो सकती हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि ये पूरा डिजिट इससे मल्टीप्लाई होके कोई नया डिजिट, नहीं भैया ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। डिजिट्स पे फोकस करो, असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे सारे, देखो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से कि बड़े की ओर, छोटा छोटा फिर छोटा, फिर देखो एकदम एक बड़ा नंबर आ गया, आ गया। तो सेकेंड स्टेप के नंबर कैसे आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। जो थर्ड स्टेप है, इसमें एक कॉमन चीज देखो देखने को मिल रही होगी हमको, कि हर बार इन दोनों को ऐड किया, 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 इन दोनों के देखो 3 1 4 8 6 14 आया, 9 2 11 3 1 4 7 8 9 9 3 12 6 2 8 3 1 4 2 1 3 6 3 9 8 1 9 3 2 5 ये बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है भाई, ये नंबर कैसे आ रहा है भाई, ये वाला, ये नंबर और ये नंबर। तो सिंपल फंडा दिख रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे सिर्फ 7 6 42 तो कर दिया, 9 4 36 कर दिया, 9 8 72 8 6 48 7 4 28 7 2 14 सिंपल। तो तीसरा स्टेप ये आ रहा है कि आपको करना क्या है, एडिशन, एड फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स का, देन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट का और उसके बाद फिर से ऐड कर दो कस का, फिफ्थ एंड सिक्स्थ का। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप की बात आएगी, फोर्थ स्टेप में अब क्या दिख रहा है, फोर्थ स्टेप में भी देखो कोई चीज कॉमन दिख रही है भाई। फोर्थ स्टेप में ये सब लिखते जाओ मेरे दोस्त, ये सब लिखते जाओ, ये लॉजिक एक नोट बनाते जाओ, जब भी आप मॉक का भी करोगे तो उसमें भी आपको नोट करते जाना है कि ऐसे ऐसे करके करना है। जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमें यही सब चीजें याद आती हैं कि अच्छा हम कुछ ऐसे किए थे, ऐसे किए थे। जब सारी चीजें फेल हो जाती है ना एग्जाम में, तब हमें मजबूरी आती है कि भाई स्किप करो, पर ये सब प्रोसेस एक बार कर तो लो एक बार, क्योंकि आपको पता है यार कि लॉजिक इससे ज्यादा बाहर तो आने नहीं। और अभी मैं एक सेशन और लेके आऊंगा अगर पॉसिबल हुआ, जहां इनपुट आउटपुट में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 30 से 35 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है दो डिजिट्स के साथ, प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए थे, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लोग पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में मैंने चार्ट बना के दिया था, वैसे इनपुट आउटपुट में ही न्यू पैटर्न पे हम एक कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला, 5924 कैसे आया यार, ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, देखो इसी नंबर से ही निकल के आ रहा है ये, इसी नंबर से निकल के आ रहा है ये, मैंने देखा अच्छा 59 ठीक है, ऑड है ये, इवन है, ऑड यहाँ तक ऑड, फिर ये इवन, ऑड फिर ये इवन, ऑड ये इवन, ऑड ये इवन, ऑड फिर इवन, और कुछ सीरीज हो रही क्या परफॉर्म, देखो देखो सिंपल दिख रहा है यहाँ, असेंडिंग ऑर्डर में ऑड किया, असेंडिंग ऑर्डर ऑड को अरेंज किया, फॉलो किया किसको, फिर फॉलोड बाय इवन नंबर, इवन डिजिट, ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर डिजिट में किया, इवन डिजिट्स में किया, बट कैसे असेंडिंग में, देखो ध्यान से देखो छोटे से बड़े क्यों जा रहा है, 5 9 खत्म, फिर सारे ऑड, फिर 2 4 मतलब छोटे से फिर बड़े की ओर इवन गया कि नहीं गया, 3 3 9 6 देखो 3 3 9 ऑड ऑड, उसके बाद बड़ा देखो ऑड बढ़ते चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद लास्ट स्टेप तो वेरी इजी, बस इनको ऐड कर दिया, इनकी डिजिट्स को ऐड किया, ऐड किया ऐड किया ऐड किया ऐड किया, मेरे पास आंसर ये आ गया, दैट्स इट खत्म, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही फंडा अब आपको यहाँ लगाना है। तो आप लोग ये नोट कर लो अपनी कॉपी में कि किस तरीके से ये हुआ है, यही कॉन्सेप्ट यही लॉजिक मुझे किस में लगाना है, नेक्स्ट आपके इनपुट में। तो आगे चलिए देख लेते हैं, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सिंपल, और होमवर्क आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है कि क्या है होमवर्क, क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज़ें। चलो अब स्टेप नंबर वन आता है, स्टेप नंबर वन आएगा तो हम यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं स्टेप नंबर वन, कि भैया हमें पता था कि ये तो ऑड है, ये ऑड है, इवन ऑड इवन इवन और ऑड, तो पता चल गया ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया अपने माइंड में, अब बस वही वाला कंसेप्ट लगाओ जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, फर्स्ट एंड फोर्थ को इंटरचेंज करो, फर्स्ट एंड फोर्थ ये ऑड है ना, तो फर्स्ट एंड थर्ड वाला करेंगे हम, है ना, बार बार नहीं दिखाएंगे, आप लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज करेंगे, 4 1 3 7 6 8 आएगा, ये ऑड ये इवन है, इवन के लिए फर्स्ट एंड फोर्थ वाला लगाएंगे, फर्स्ट वाले को फोर्थ से इंटरचेंज किया, फर्स्ट वाले को फोर्थ से इंटरचेंज किया, तो पहले क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 4 5 7 आ जाएगा, समझते जाओ यहाँ पे क्लियरली कि अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ये पूरे ऑपरेट करेंगे, अगर इवन आए तो ये पूरे ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, समझते जाना यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा सा कायदे से लिखते वरना अदरवाइज हमको स्पेस कम पड़ जाएगी, तो इसको मेरे आएगा, इसका आंसर आएगा 4 1 3 7 6 8, फिर ये हमारा इवन है तो मेरा आएगा 3 9 2 4 5 7 2 4 5 7, और यहाँ पे आएगा ये मेरा क्या है ऑड है तो आएगा 1 2 8 7 3 6, उसके बाद आएगा 1 7 2 6 2 6 3 4, और उसके बाद आएगा 4 3 2 6 8 1 2 6 8 1, और लास्ट इसके मेरा ऑड है तो ये आएगा 2 1 7 3 9 4, ये स्टेप नंबर वन है मेरा, ये स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप नंबर टू में क्या बताए थे हमने, देखो स्टेप नंबर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, ये जो नंबर आए हैं फर्स्ट स्टेप में इनको असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको लिखो ना 1 2 8 7 3, उसके बाद 1 7 2 6 3 4, उसके बाद 2 1 7 3 9 4 3 9 4, ठीक है,
मिक्स मत कर देना, पता चला मिक्स कर दिए। उसके बाद 3939 वाला 2457 जो नंबर बस दिए ना उन्हीं को उतारना ही तो है। 4137 4137 68, फिर सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, आएगा 432681, ये वाला था नंबर। स्टेप नंबर थ्री क्या था मेरा, स्टेप नंबर थ्री क्या था देखना पड़ेगा ना। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में हमने देखा था कि हमें ऐड करना है 1 और 2 डिजिट को और मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 को और लास्ट में ऐड कर देना है। तो एक काम करो अब, सॉरी, ये आएगा आपका स्टेप नंबर 2+1 3, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, 2+1 दैट इज 3, 7 8 जा 56, और ये आपका हो गया 7 8 जा 56 कुछ 1 2 8 7 3, 7 8 जा 56 और 7 3 9, इन दोनों को चेंज ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये है क्या, यही तो था। देखो क्या किया कि भैया हमने इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, कुछ हमने मिस्टेक की है लग रहा है, 1 2 8 7 3 1 2 8 7 3 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा, ये 6 कहाँ गया, 1 2 8 7 3 6, हाँ यहाँ 6 होगा, तभी जाके 7 8 जा 56, 6 3 9, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे कि एक नंबर भूल रहे थे भैया, हमके पेयर में हो रहा है, ऐसे तो हो नहीं रहा था ना कि बीच में। अच्छा अब यहाँ पे बीच में कौन है, ये दोनों 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 लिखो, 7 1 8 लिखो और 4 3 7 लिखो, यही है कि नहीं है बताओ, सबका यही आ रहा था यहाँ पे। इसका 2+1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 3 जा 21 ये हो जाएगा, और 9 4 9 4 तो 13 होता है सर, 13 लिख देंगे, 9 3 12 होता है तो 12 लिख देंगे, 4 2 जा 8 होता है, और 7 5 13, 7 5 ये क्या है, 6 7 5 14, 1 2 1 2 7 5 12 आ जाए, तो 1 2 12 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 1 5 होता है, हमने यहाँ 5 कर दिया, फिर 7 3 21 होता तो 21 कर दिया, और 8 6 14 होता है, 8 6 14 है ना, तो 14 लिख दिया, ठीक है। इसको देखेंगे तो 4 3 7 होता है, 4 3 7 6 2 जा 12 होता है, और 8 1 9 होता है, 8 1 9 होता है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 था इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना था ना, ऑड वाले और असेंडिंग ऑर्डर में ही इवन वाले, पर पहले ऑड होंगे फिर इवन वाले अरेंज होंगे। तो पहले यहाँ पे देखा जाए तो 3 5 3 5 3 है, फिर 5 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर लास्ट में 6 आ जाएगा। यहाँ पे ऑड को पहले देखो तो 1 है, फिर 7 है, फिर 2 है, फिर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑड 1 1, फिर 3 3 और लास्ट में 2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे पहले 1 1 1 1 और 1 1 हो गया, फिर सारे क्या बचे आपके इवन बचे, तो 2 2 8, यहाँ पे 1 1 5 2 और 4, यहाँ पे आपका आएगा 1 7 9, पहले छोटे से बड़ा मैंने ऑड को किया, फिर लास्ट में 2 था, लास्ट में 2 बचेगा। अब स्टेप नंबर 5 क्या आ जाएगा, बस इनका सम कर देना है, तो 5 3 8 9 6 9 6 15, तो 5 3 8 23, 7 1 8 8 8 16 16 17 18 ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और ये वाला आपका कितना आएगा 13 आ जाएगा, और यहाँ 7 1 8 9 8 1 2 10 1 19, यहाँ 19 आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 5 का सॉल्यूशन ये रहेगा। अब इसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, इनको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस, मुझे डिफरेंस लेना है थर्ड नंबर लेफ्ट साइड से एंड सेकेंड नंबर राइट साइड से स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, थर्ड नंबर 1 2 3 ये लेना है, और यहाँ से राइट साइड से 1 2 ये लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। भैया साफ साफ दिख रहा है डिफरेंस क्या आएगा, 8 दो में से आ जाएगा, -6 -10 -6, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आना है, फिर दो में से कितना, दो में से 2 जाएगा 0, और फिर 3 में से 2 जाएगा 1, 1 not 4, ऑप्शन नंबर भी मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड राइट इन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 रखा है तो सेकेंड नंबर पूछ रहा है राइट एंड से, लेफ्ट एंड या राइट एंड, तो 5 2 1 1 4, 5 2 1 1 4 ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सम पूछा है सेकेंड लोएस्ट का, सेकेंड लोएस्ट का स्टेप नंबर 5 पे जाओ पहले,
स्टेप नंबर फाइव पे जाओ, स्टेप नंबर फाइव ही रहा सेकेंड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट लोएस्ट कौन सा है, ये रहा फर्स्ट लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट नंबर का पूछ रहा है तो 13 हो गया, तो 13 प्लस सेकेंड हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर पे जाओ पहले, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर तो ये रहा, सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है 19, तो 19 के साथ ऐड करा तो 9, 3, 12, 1, 2, 3, 32 ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है आपने कितने मार्क्स लिए, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो, दो, चार, चार, दो, छः, छः मार्क्स हो गए, इतना लेकिन आपको जतन करना पड़ा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपकी सहूलियत के लिए फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, डोंट वरी, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे कम से कम, ठीक है ना। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, पूरी स्क्रीन पे आपको मैं दिखा देता हूँ मेरा। तो क्या बात है, यहाँ पे मैं लॉजिक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हिंट ये है कि इवन और ऑड, मैं नहीं बताऊँ किसके लिए क्या है, ठीक है ना। इवन और ऑड किसी लेटर में कुछ प्लस या फिर माइनस करना है, कितना करना है नहीं पता, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मैंने बता रखा है ये सब चीजें। फोर्थ सिंबल्स का आप लोग खुद बताओ, ठीक है, इससे ज्यादा हिंट तो कोई नहीं दे सकता ऑलरेडी, बल्कि इसके साथ प्लस मेरे प्रीवियस लेक्चर का भी लॉजिक इसी में ही है, ठीक है ना, मतलब प्रीवियस का मैंने इसी से किया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे था ये, आपको ये तक मैं चलो करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ आप लोगों को मैं बताता हूँ मेरा कोडिंग डिकोडिंग का मैंने कहाँ पे लिया था, कि कोडिंग डिकोडिंग का ये भी नहीं है मेरा, मैं बताता हूँ आप लोगों को एग्जैक्टली मुझे अब यहाँ पे अभी मैंने शायद पीपीटी डिलीट कर दी है, कुछ ये याद आया आप लोगों को, ये वाला सेशन देख लेना, लॉजिक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बताना आपको कैसा लगा ये सेशन, ये इनपुट आउटपुट आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अब हम लेके आते ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।